नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क प्री 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या है इस वीडियो में खास, तो देखिए 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पर हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। और जो बिगेस्ट एनालिसिस होने वाला है, 65+ अगर आपके नंबर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। इसमें हमने स्टेट वाइज कट ऑफ प्लस कैटेगरी वाइज कट ऑफ और साथ ही साथ आपको नीचे दिख रहा होगा 2017, 18, 19, 20, 21 सभी को कंबाइन करके हमने इस पर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए ये कट ऑफ जो है ये बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि मैंने आखिर डाटा कितना कलेक्ट किया है। तो अब सबसे पहले आपको झलक दिखाता हूँ, देखिए आप ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब भरा पड़ा हुआ मैंने इतनी जगह से डाटा कलेक्ट किया है, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए 2018, 19, 17 ये देखिए, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। RRB क्लर्क या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को तुरंत पाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जान लेते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो किन किन फैक्टर्स पर आखिरकार डिपेंड करता है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कट ऑफ डिपेंड्स ऑन, तो देखिए कट ऑफ आपका जो होता है वो किन किन चीज़ों को लेकर डिपेंड्स करता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका जो है वैकेंसीज को लेकर जो है कट ऑफ डिपेंड करता है कि मान लीजिए पिछली साल अगर 50 वैकेंसी हैं, इस बार बढ़कर 70 हुई, तो आपका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट है जो है मतलब कि ज़्यादा परसेंट जो चांस है वो डिक्रीज़ करने के आपके चांस हैं, ठीक है ना। और देखिए दूसरा जो फैक्टर हमारा वर्क करता है वो है एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। तो अगर पिछले ईयर से हम देखें एग्ज़ाम लेवल, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 19-20 ही फ़र्क पड़ा है, मतलब थोड़ा सा लेवल अप कह सकते हैं, मतलब दो से तीन परसेंट या 5% तक आप लेवल अप कह सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद एक फैक्टर है बहुत बड़ा जो कि आपके वर्क करने वाला है, वो है नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, ठीक है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो ये अब इसमें पता नहीं चलता किसके कितने नंबर कम हुए, 2 से 3 नंबर 5 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े फैक्टर हैं जो कि आपके कट ऑफ को डिपेंड्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ से कट ऑफ उठाया है, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर, देखिए IBPS RRB क्लर्क प्लेम्स कट ऑफ सर्वे 2021, ये एक पोल कंडक्ट कराया गया है। उसमें देखिए आपको जो मेजर ऑफ जो आपको कमेंट्स दिख रहा होंगे, वो देखिए 36% दिख रहा है किस पर, 70 से 80 जो मार्क्स अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो 36 हैं। बट ये भी देखिए कि 60 से 70 के बीच में जिन्होंने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं वो 21% है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए आप थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में आपको दिख रहा होगा ये देखिए 70 से 80 वाले 42 और 60 से 70 वाले 29। तो ये देखिए कहीं ना कहीं मतलब इन दोनों में जो है मतलब कंपटीशन चल रहा है, ये वाले तो कंपटीशन से बाहर हैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। यदि आपके 65 से नीचे हैं और आप कैटेगरी में भी नहीं आते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं और आपको क्या दिखाता हूँ मैं, और देखिए ये देखिए यहाँ पर 70 से 80 वाले 41 हैं और 60 से 70 वाले में 24% है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये वही आपको देखने को एक चीज़ मिलेगी। और यहाँ पर देखिए आपको वोट कितने दिख रहे हैं, 26 के, ठीक है। पिछले वाले में आपको दिखा देता हूँ कितने वोट थे, देखिए 3.4 के, ठीक है। इधर देखिए 6.3 के, यानी कि 6,000, 3,000, 9,000, 9 और 26, यानी कि 35,000 तो यही हुआ है, ठीक है ना। और मैं दिखा देता हूँ आप पे, देखिए यहाँ पर भी देखिए 24,000 का वोट कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए एबव 72 से 40% प्लस 26%, ठीक है। तो ये देखिए और मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए 76 से ऊपर वाले 16%, 71 से ये देखिए 5 तक 12 और 61 से 70 तक 50%। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों में ही कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 3.4 के है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4.8 के, यहाँ पर भी देखिए 14%, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये शिफ्ट वाइज था, ठीक है ना। और देखिए ये फोर्थ शिफ्ट है जो कि 14 अगस्त को कंप्लीट की गई थी, उसका देखिए यहाँ पर 71 से 75 वाले 14% है और 61 से 70 वाले जो हैं वो ज़्यादातर छात्र हैं, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, और देखिए ये फिफ्थ शिफ्ट है, तो फिफ्थ शिफ्ट जो है थोड़ी अच्छे लेवल की आई थी, इसमें देखिए आपको 61 से 70 वालों को ही यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आपको मेजोरिटी दिख रही हो, क्योंकि फिफ्थ शिफ्ट थोड़ा अच्छा लेवल देखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं एक और कट ऑफ, देखिए कि 72 75 देखिए 49% है, ठीक है। और 65 से भी देखिए 23%। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो
और देखिए, और दिखा देता हूँ आपको। आप मैंने बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 64 to 74 वाले 42% है। अब देखिए मतलब एक एग्जैक्ट, और 74 से ऊपर वाले 30% है, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि हम तो इस आधार पर हम कैसे कट ऑफ का जो है एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम देखिए सबसे बड़ा डाटा उठा लेते हैं जो कि हमारे 24,000 के समथिंग का। तो देखिए यहाँ पर 63 से लेकर 72+, यानी 63 से प्लस ही हैं जो बच्चे हैं। तो वहाँ पर देखिए 40+, यानी कि 56% बच्चे जो हैं, वो सॉरी 66% बच्चे जो हैं इतने हैं। यानी कि अगर हम देखें कि 63 से लेकर 75 तक हम एक एक्सपर्ट मानते हैं, तो इसके बीच में हमें एक इसका एवरेज निकालें, तो लगभग लगभग ये 65 ऊपर रहेगा, और ये 75 कहीं ना कहीं मतलब 74 आप कह सकते हैं, इसके बीच में जो है आपका कट ऑफ एनालिसिस करेगा, ठीक है। मतलब जो मेजोरिटी और स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और जो जिनके अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, 65 से 74 के बीच में अगर आपने अटैम्प्ट किए, तो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 65 वालों के तो चांस हैं, अगर आपके 70+ है तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं 2017, 2018 और 2019 का डाटा, फिर हम 20 और 21 पे चलेंगे। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर 17, ये 18, ये 19। चलिए हम दो तीन स्टेट को जैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने उठाया यहाँ पर, हम एमपी उठा लिया मान के चलिए, तो एमपी में देखिए 2017 में जो है 60 कट ऑफ गया था, इसके बाद फिर बढ़ा 10 नंबर बढ़ गया 70, फिर डिक्रीज कर गया था 19 में 68.25, ठीक है। अब हमें देखिए 2020 का भी देखने वाले हैं अभी, ठीक है। अगर हम इसके अलावा और देखें यूपी उठाएं, तो यूपी में देखिए 56 से फिर 70 हुआ, फिर 74 हुआ, ठीक है। और शायद इसके 2020 में इससे डिक्रीज कर गया था। तो मतलब आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी आपका। जो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ढंग से एनालाइज कर लीजिए, मैंने दो तीन स्टेट आपको बता दिए हैं। चलिए हम कोई हाई जो कट ऑफ वाली स्टेट है वो उठा लेते हैं। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए पंजाब का, देखिए पंजाब को उठाते हैं हम, 77 गया था 2019 में, उससे पहले 74, उससे पहले 60। तो कहीं ना कहीं हमें कट ऑफ जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए हम अब 2020 और 21 को कंपैरिजन कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन में। तो चलिए हम 2020 वर्सेस 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देखिए जो रेड से मैंने जो हाईलाइट किए हैं, वो वहाँ जो वो स्टेट है जहाँ पर जो कट ऑफ है आपका हाई रहता है, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश में 144 वैकेंसी जो आपको इस ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, वो तो वैकेंसी हैं, और जो बगल से है उसके वो है कट ऑफ आपका, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आपको देखिए 144 वैकेंसी थी, 76.25 आपका कट ऑफ गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस बार वैकेंसी जो है लगभग 3 गुना, लगभग 3.5 गुना वैकेंसी है, तो कट ऑफ भी आपका जो है डिक्रीज करेगा, 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर भी कम कर सकता है। आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से 74 रहने वाला है। अगर हम बात करें एससी की, तो आप 6 से 7 नंबर कम कर लीजिए, लगभग 65 या 66 के अप्रॉक्स आपका रहेगा। अगर आप एसटी से हैं, तो आप जो है 62 से 63, यानी 7 से 8 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही फर्क रहता है जनरल एससी एसटी में, ठीक है। ओबीसी का तो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। एससी की बात करूँ तो आप बिल्कुल हर जो मैंने बताया गया है उसमें 6 से 7 नंबर कम कर सकते हैं, एसटी वाले 7 से 8, इससे ज़्यादा कम ना करें। आप अगर कम करते भी हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो, इससे ज़्यादा कम करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इतने ही अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% रेस में हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आसाम की अगर बात करें तो 100 वैकेंसी थी, 69 कट ऑफ गया था। इस बार जो है वैकेंसी थोड़ी अप है, तो कट ऑफ थोड़ा सा 68 to 72 आपको देखने को मिल सकता है। बिहार की यदि हम बात करें तो 155 थी, इस बार अगर आपको वैकेंसी के 427, लगभग 3 गुना। तो पिछली बार 75.5 गया था, इस बार देखिए 69 to 74 रहने के आसार हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 71 था, 71 वैकेंसी पे 70.5 कट ऑफ था। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी जो है घट गई है, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 73 से 76 के बीच में आपका रहने वाला है। इसके बाद हम गुजरात की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने येल्लो क्यों किया है, येल्लो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर 247 वैकेंसी थी, बट यहाँ से 200 के लगभग वैकेंसी यहाँ से हटा ली गई थी, यानी कि बैंक के द्वारा उन्हें वापस लिया गया था। तो ये कट ऑफ आपको मिला है वो 45+ वैकेंसी के मिला हुआ, यानी कि 45 से लेकर 47 के समथिंग जो वैकेंसी बची थी उस पर जो कट ऑफ है जो कि था आपका 78.25, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। तो इस बार हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है, तो इस बार देखिए 276 वैकेंसी हैं, तो आपका कट ऑफ जो है ये मत गिनिएगा, ये 45 के समथिंग वैकेंसी का है। इस बार 276 वैकेंसी है, तो आपका कट ऑफ 68 to 73 रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इतने अटेम्प्ट करके आएँ तो बिल्कुल सेफ जोन में, एस सी एस टी वाले वही 6 से 7, 7 से 8 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 जो है वैकेंसी थी, 71.25 कट ऑफ गया था,
और हिमाचल प्रदेश में इस बार देखिए डबल वैकेंसी लगभग 67 से 72 तक आपका कट ऑफ देखा जा सकता है। हरियाणा में देखिए कट ऑफ हाई रहता है, रेड वाले कट ऑफ आई है, 103 वैकेंसी थी, 78.25 आपका जो है कट ऑफ गया था, और इस बार देखिए हरियाणा में 261 की वैकेंसी लगभग डबल से ज़्यादा, तो आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर आपको कम देखने को मिल सकता है, 74 से 77 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, और एस सी एस टी वाले बिल्कुल हमने कम करते हैं, 6 से 7, 5 से 6, 6 से 7 जो भी है। ठीक है, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की यदि मैं बात करूँ तो 87 वैकेंसी थी, 73.5 जो है कट ऑफ गया था, इस बार जो है 77 वैकेंसी है, थोड़ी वैकेंसी कम है तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ के आपको दिखेगा, 75 से 76। एमपी वाले देखिए 414 है वैकेंसी थी, 66.75 था, इसके बाद एमपी में इस बार 246 वैकेंसी, लगभग 200 वैकेंसी कम कर दी गई है, तो उस कट ऑफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 71 से 75 के बीच में इस बार आपका कट ऑफ रहेगा। महाराष्ट्र में देखिए 551 थी, 67 कट ऑफ था, इस बार देखिए वैकेंसी डिक्रीज है, 306 है, तो उस कट ऑफ जो है 71 से 75 को आपको दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा और पंजाब, एक हाई कट ऑफ जोन है। ठीक है, उड़ीसा और पंजाब, ठीक है, तो यहाँ देखिए उड़ीसा में देखिए मतलब पूरा 80 में से 80 चला गया, मतलब 0.25 को क्या गिन हो गया। ठीक है, तो क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी, देखिए तो वैकेंसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इस बार देखिए 100 वैकेंसी है, तो आप 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं, यानी कि 74 से 77 के बीच में अगर आप अटैम्प्ट करके आएँ तो बहुत ज़्यादा गुड अटैम्प्ट है। इसके बाद पंजाब देखें तो 78.5, 88 वैकेंसी थी यहाँ पर भी, ये हमेशा कट ऑफ हाई रहती है, तो 138 इस बार वैकेंसी है, लगभग डबल के समथिंग है, तो हम कट ऑफ देखते हैं 76 से 78 के बीच में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम और स्टेट देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इधर देख लेते हैं राजस्थान को, तो राजस्थान देखिए येलो से मैंने फिर किया है क्योंकि यहाँ पर भी लगभग 200 के समथिंग, 150 से 200 वैकेंसी विड्रॉल कर ली गई थी, तो ये जो है ये 213 वैकेंसी पर कट ऑफ नहीं है, ये उससे कम पर है, लगभग 100 या इसके आसपास के समथिंग ये कट ऑफ बना हुआ है वैकेंसी को लेकर, तो कितना बना हुआ है 78.75। इस बार आपकी जो वैकेंसी रही है 2021 में वो है 263। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ है वो 74 से 76 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की बात करें 260 वैकेंसी थी, 71 कट ऑफ गया था, इस बार 314 है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा, 78 से 72। तेलंगाना में देखिए 248 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, इस बार 375 है, तो कट ऑफ आप देख सकते हैं 71.25 से यहाँ पर आपको कम मिलेगा, 69 से 71। इसके बाद यूपी की यदि मैं बात करूँ तो 73 थी और जो वैकेंसी थी वो थी 2034, यानी कि 2034, और 73 कट ऑफ था, इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 600 के समथिंग वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ आपका जो है आपको देखने को मिलेगा 75 से 77 के बीच में, बिल्कुल हाई कट ऑफ रहेगा यूपी का इस बार। देखिए कर्नाटका की यदि बात करें तो 86 जो है आपके, ये 2019 का डाटा है कर्नाटका और केरला का, क्योंकि 2020 में इसमें शायद वैकेंसी नहीं निकली थी इन स्टेट में, तो ये 2019 का डाटा है। यहाँ देखिए 86 वैकेंसी थी, 75 कट ऑफ गया था, इस बार वैकेंसी लगभग लगभग 3 गुना है, तो आपका कट ऑफ 71 से 75, यानी कि 4-5 नंबर आपको कम देखने को मिलेगा। केरला की बात करें 238 वैकेंसी थी, 65.22 कट ऑफ गया था, और केरला में इस बार जो वैकेंसी है वो है 170, तो कट ऑफ आपको जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि 70 से 74 के बीच में रहेगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करें तो 145 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, सॉरी हाँ लास्ट ईयर 2020 में, और 77.75 कट ऑफ गया था, बहुत ज़्यादा हाई, वेस्ट बंगाल भी हाई स्टेट कट ऑफ है। इस बार देखिए थोड़ी वैकेंसी अप है, तो थोड़ा सा आप कट ऑफ कम कर सकते हैं, 2 से 3 नंबर, 74 to 76 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा जो है वीडियो था। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों का शेयर करें। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियो के लिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपनी स्ट्रेटजी मेंस के लिए अपने मार्क्स दिखाऊंगा, मेंस के भी प्री के भी सब दिखाने वाला हूं, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।